मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक है। इस टीम को लेकर आईपीएल में भी खबरें जोरों शोरों से हैं। इस सीजन टीम को लेकर भी बवाल देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा समस्या टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर है, क्योंकि हार्दिक को फ्रेंचाइजी ने कप्तान बनाया लेकिन फैंस ने रोहित के अपमान का बदला हार्दिक से लेने का किया। और इस सीजन जैसे ही हार्दिक पांड्या मैदान पर खेलने उतरे, फैंस ने जोरों शोरों से बू करना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या को लेकर वानखेड़े में और भी ज्यादा माहौल खराब हुआ, क्योंकि यहाँ फैंस ने तो जमकर हार्दिक की आलोचना की और उनके कप्तानी के फैसले पर नाराजगी दिखाई। हार्दिक पांड्या का इस सीजन कप्तानी और बल्लेबाजी के रूप में खराब प्रदर्शन रहा है। हार्दिक ने शुरुआती 3 मैच में ना ही कप्तानी में टीम को जीत दिलाई और ना वो बल्लेबाज के रूप में कमाल दिखा पाए थे। शायद हार्दिक भी अपने प्रदर्शन को देख परेशान हो गए थे और उनको भी एहसास हो गया कि मामला अब कुछ दूसरे तरीके से ठीक होगा। और जब कुछ समझ नहीं आया तब हार्दिक पांड्या ने भगवान का सहारा लिया और हमेशा से कूल अंदाज में रहने वाले हार्दिक भगवान के द्वार पहुंचे। 3 मैच हारने के बाद हार्दिक पांड्या सोमनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां शिव जी की पूजा पाठ की और भगवान की आस्था ने हार्दिक को जीत का रास्ता भी दिखाया। दिल्ली के खिलाफ टीम को इस सीजन की पहली जीत भी मिली और साथ ही साथ टीम का एक सही कॉम्बिनेशन भी दिखा। हार्दिक भी बल्ले के साथ थोड़े टच में दिखे, मानो सोमनाथ मंदिर में भगवान का आशीर्वाद मिला और हार्दिक और मुंबई टीम को एक नई राह मिली। लेकिन हार्दिक पांड्या को लेकर इस तरह से मंदिर वाली तस्वीरें भी हैरान करने वाली हैं, क्योंकि हार्दिक थोड़े चिल और कूल अंदाज में रहने वाले खिलाड़ी हैं। उसके बाद हाल में इस तरह की तस्वीर आना फैंस के लिए भी थोड़ा हैरान करने वाला है। लेकिन हार्दिक जो कर रहे हैं वो काफी तारीफ के लायक है और भगवान के दर्शन करने से मन को भी शांति मिलेगी, साथ ही साथ वो अपने खेल पर ध्यान लगा पाएंगे और जो भी चीजें उनको लेकर चल रही हैं वो उससे अपना ध्यान हटा सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मैच में भी हार्दिक अपनी कप्तानी से टीम को जीत दिला पाते हैं या नहीं। साथ ही साथ हार्दिक को अपने बल्ले से भी कमाल दिखाना होगा।